अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मैं करने वाला हूं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग ओप्पो F11 प्रो की। आज ये ऑफिशियल स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, आज से डिलीवरी लॉन्च हो गया है और ये 6GB रैम विद 128GB रोम की डिवाइस है। इसको अनबॉक्स करेंगे और इसके साथ साथ आज हमारे पास गिफ्ट बॉक्स भी है जो कि ओप्पो की प्री बुकिंग पे दिया जा रहा था ओप्पो F11 प्रो की। तो आज गिफ्ट बॉक्स भी अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे हमें गिफ्ट में क्या मिल रहा है और बॉक्स में एसेसरीज क्या है, इसकी मेन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सेट का फर्स्ट लुक तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और ओप्पो F11 की प्राइस जैसे मैंने आपको बताई थी ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है 55,000 रुपये की प्राइस के अंदर, लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलते हैं अनबॉक्स करते हैं और इसका गिफ्ट बॉक्स बहुत बड़ा है तो हम पहले गिफ्ट बॉक्स अनबॉक्स कर लेते हैं और डिवाइस हम बाद में अनबॉक्स करेंगे। डिवाइस हम साइड पर रख देते हैं और यहाँ पे हम गिफ्ट बॉक्स अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं हमें गिफ्ट बॉक्स में क्या मिल रहा है सबसे पहले यहाँ पे, और ये मैंने उल्टा रखा हुआ है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें मिल रही है एक अदर सेल्फी स्टिक और एक जार मिल रहा है, हम देख लेते हैं निकाल के। ये एक जार मिल रहा है हमें वाटर के लिए और ये कलर्स इन्होंने अच्छा बनाया है, क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, थोड़ी सी क्वालिटी वाइज ही अच्छा जान लग रहा है मुझे। उन्होंने इसको लाइट ग्रीन कलर दिया है जो कि ओप्पो का कलर है। और यहाँ पे एक सेल्फी स्टिक मिल रही है जो कि केबल वाली है, वायरलेस केबल नहीं है, और ये भी नॉर्मल क्वालिटी की है, कोई ख़ास अच्छी क्वालिटी नहीं है। जिस तरह हमें हुआवे में मिल रही थी बेहतरीन क्वालिटी की, उस तरह की नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एक रिंग मिल रही है और ये भी ग्रीन कलर की है, लेकिन यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं हुई हुई ओप्पो की। मेरे ख्याल से ब्रांडिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे ओप्पो की, लेकिन ये ग्रीन कलर है लेकिन यहाँ ब्रांडिंग नहीं हुई हुई। और ये भी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाइज तो अच्छी गिफ्टिंग नहीं है, लेकिन कुछ भी है गिफ्टिंग तो मिल रही है। तो अब हम डिवाइस अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर लिखा गया है 6GB रैम विद 128GB रोम, और बैक साइड बाकी सिंपल है। यहाँ बैक साइड पे कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखी गई है, जैसे 48MP डुअल रेयर कैमरा में मिल रहा है यहाँ पे, वूक 3.0 की बैटरी चार्जिंग मिल रही है, 4000mAh की बैटरी लगाई गई है, 6.5 इंच फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, पेनोरामिक स्क्रीन मिल रही है, हाइपर बूस्ट सिस्टम मिल रहा है यहाँ पे, हमें सिस्टम बूस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और थंडर ब्लैक कलर है मेरे पास। वो अभी अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रेटिंग उतार लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कवर के अंदर क्या मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन मिल रही है, सिम इजेक्टर पिन के बाद यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, यकीनन यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड है, इंफॉर्मेशन गाइड है इसके अंदर। और यहाँ पे कह जैसे हमें कवर मिल रहा है इसका पाउच, जो कि मुझे सिलिकॉन नहीं लग रहा, हार्ड प्लास्टिक कवर है, हार्ड प्लास्टिक कवर दिया है और ब्लैक कलर का है। तो ये चेंज किया है ओप्पो ने इस दफ़ा और ये चेंज मुझे पसंद आई है। हमें हर दफ़ा सिलिकॉन कवर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें हार्ड कवर है ब्लैक कलर का। उसके बाद हमारी डिवाइस है और डिवाइस की मेन स्क्रीन पे भी यहाँ पे 48MP कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखी गई है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं कवर से, यह गई हमारी डिवाइस थंडर ब्लैक कलर। अब हम डिवाइस ऑन करते हैं। ये जब तक हमारी डिवाइस ऑन हो रही है बॉक्स का मजीद कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें और क्या मिल रहा है, एक अदर चार्जर मिल रहा है जो कि काफ़ी बड़ा चार्जर है, इतना बड़ा चार्जर दिया है इन्होंने इसके साथ। और ये हम देखते हैं कितना एम्पीयर का चार्जर है, 5W 4A का चार्जर है। तो 5W 4A का चार्जर मिल रहा है हमें, एक बड़ा चार्जर है यहाँ पे। तो उसके साथ हम देखते हैं केबल कौन सी है, वूक 3.0 की चार्जिंग इसमें मिल रही है, इस वजह से 5W 4A का चार्जर लगाया गया है। और यहाँ पे हमें एक अदर केबल भी मिल रही है चार्जिंग, जो कि माइक्रो USB है लेकिन ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है केबल, माइक्रो USB केबल मिल रही है। उसके बाद हैंड फ्री भी मिल रही है यहाँ पे नीचे हमारे पास, हम इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से। और ये आ गई हमारे पास वाइट कलर की हैंड फ्री, जो कि क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी लग रही है, ये हैंड फ्री मिल रही है। तो ये वो ऐसी सीरीज़ हैं जो ओप्पो F11 प्रो के बॉक्स में हमें मिलने वाली हैं। अब हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं, डिवाइस ऑन कर लेते हैं। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 है और डिवाइस हमारी रेडी हो चुकी है इस्तेमाल के लिए।
अब हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं, डिवाइस देखने में कैसी है। और सबसे पहले राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड पे हमें यहाँ पे पावर बटन मिलने वाला है। पावर बटन के साथ यहाँ पे दी गई है सिम ट्रे, और सिम ट्रे यहाँ पे हाइबर स्लॉट मिल रही है हमें। आप यहाँ पे एक वक्त में एक मेमोरी कार्ड या एक सिम लगा सकते हैं, या दो सिम लगाने तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। तो मेरा नहीं ख्याल मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 128 GB की यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाली है इस डिवाइस के अंदर। अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पे हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है। लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड पे लगाया गया है ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक, स्पीकर, तीनों चीज़ें डाउन साइड पे लगाई गई हैं। और यहाँ पे चार्जिंग जैक माइक्रो यूएसबी मिल रही है हमें, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बूक 3.0 की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। इसी तरह अगर मैं बैक साइड की बात करता हूँ तो बैक साइड आप देख सकते हैं थंडर ब्लैक कलर है, और यहाँ पे तीन कलर का मिक्सर है। तो ये ग्रेडियंट कलर दिया गया है, पहली बार इसमें तीन कलर का मिक्सर किया गया है। ऊपर आप ये देख सकते हैं डार्क पर्पल कलर है, उसके बाद बीच में आपको ब्लैक का शेडो मिलेगा, उसके बाद यहाँ दाएं साइड पे हमें ब्लू कलर का शेडो मिलने वाला है। तो तीन कलर का मिक्सर है यहाँ पे, ग्रेडियंट कलर दिया गया है, उस कलर का नाम रखा गया है थंडर ब्लैक। बैक साइड पे हमें मिलने वाला है डुअल कैमरा सेटअप, यहाँ पे LED फ्लैश दिया गया है। बैक साइड पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है इस डिवाइस में। और इस डिवाइस को दो कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, एक थंडर ब्लैक कलर है, दूसरा अरोरा ग्रीन कलर है। लेकिन अभी जो स्टॉक दिया गया है वो सिर्फ थंडर ब्लैक कलर का दिया गया है, अरोरा ग्रीन कलर अभी नहीं आया स्टॉक मार्केट में। फ्रंट साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे फुल स्क्रीन मिलने वाली है हमें यहाँ पे, ना हमें नॉच स्क्रीन मिल रही है, ना होल पंच मिल रहा है, यहाँ पे फुल डिस्प्ले मिल रहा है, क्योंकि पॉपअप कैमरा दिया गया है इस डिवाइस के अंदर। अब हम इसकी फुल स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इस डिवाइस की मेन स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन क्या मिल रही है। तो ओप्पो F11 Pro के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले में लगाया गया है। यहाँ पे TFT LTPS डिस्प्ले में मिल रहा है, यहाँ पे सुपर अमोल्ड वगैरह डिस्प्ले नहीं लगाया गया। फुल HD+ रेजोल्यूशन की अगर बात करूँ तो 1080x2340 पिक्सल्स का यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलने वाला है। और अगर बैक मटेरियल की बात करूँ तो बैक मटेरियल यहाँ पे प्लास्टिक लगाया गया है, प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरे। तो यहाँ पे लगाया गया है पॉपअप कैमरा ओप्पो के इस डिवाइस के अंदर, फ्रंट पे लगाया गया है पॉपअप कैमरा, और ये पॉपअप कैमरा हमें मिलने वाला है 16 MP का। यहाँ पे F2.0 का हमें अपर्चर मिलेगा। इसी तरह इस डिवाइस के अंदर बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप लगाया गया है, और ये डुअल कैमरा सेटअप हमें 48 MP का मिल रहा है। मेन कैमरा 48 MP है जिसके अंदर F1.79 का अपर्चर मिल रहा है। दूसरा कैमरा हमें 5 MP का मिलेगा जिसमें F2.4 का अपर्चर मिलने वाला है, और ये डेप्थ सेंसर लगाया गया है। तो ये डुअल कैमरा सेटअप है 48 MP का बेस की बैक साइड पे। अब हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यहाँ पे चिपसेट हमें कौन से मिल रही है और यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें दी गई है चिपसेट इस डिवाइस में MediaTek की Helio P70 की चिपसेट लगाई गई है। और अगर GPU की बात करूँ तो Mali G72 MP3 का यहाँ पे GPU मिल रहा है। CPU लगाया गया है इस डिवाइस के अंदर 2.1 GHz का ऑक्टोकोर CPU, और जैसे मैंने आपको पहले बताया ये डिवाइस 6 GB रैम विद 128 GB ROM की डिवाइस है, जिसमें से आपको स्टोरेज कितना मिलने वाला है हम यहाँ देख लेते हैं। स्टोरेज में जाके 128 GB में से 105 GB स्टोरेज आप अवेलेबल है, पिक्चर्स और इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं 105 GB, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। इसके अलावा हम यहाँ पे अबाउट फोन में देख लेते हैं, यहाँ पे हमें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मिल रहा है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 9 Pie मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे लेटेस्ट दिया गया है 6.0 का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है हमें, जो कि ओप्पो का अपना कलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस डिवाइस के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 4000 mAh की बैटरी मिल रही है हमें। तो यहाँ पे वूक 3.0 की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है, तो बैटरी टाइमिंग इस डिवाइस की अच्छी होने वाली है। और इस डिवाइस के अंदर हमें बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, और यहाँ पे फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी दी गई है इस डिवाइस में। तो ये थी इस डिवाइस की मेन स्पेसिफिकेशन, ये थी अनबॉक्सिंग ओप्पो F11 Pro की। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिवाइस आपको कैसे लगी, डिवाइस के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डिवाइस का फुल कंपेरिजन करूंगा वीवो V15 Pro के साथ बहुत जल्द। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।